नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे शो में जिसका नाम है एक चाय हमारे साथ, स्पॉन्सर्ड बाय उत्तम चाय इन एसोसिएशन विद थॉट पल्प। आज मेरे साथ मेरे बहुत फेवरेट एक्टर मेरे साथ है। आज मैंने के साथ बहुत अच्छे से काम किया है, मुझे पता है। आज है मेरे साथ संगीता अधिकारी जी, वेलकम टू माय शो। आज बहुत टाइम बाद हम मिल रहे हैं वैसे भी। हाँ जी। मेरा ना एक बहुत फेवरेट डायलॉग रहता है हमेशा, डायलॉग नहीं एक क्वेश्चन है मेरा हमेशा, हर एक को पता होगा, मेरे ऑडियंस तक को पता होगा कि हु इंस्पायर्ड यू टू बिकम एन एक्टर? माय मॉम। सेम पिंच। हाउ? मेरी मॉम क्योंकि टीवी देखती रहती हैं हमेशा, तो जब मैं मम्मी के साथ थी जबलपुर में तो उनको ऐसा लगता था कि यार सब टीवी में आ सकते, तू क्यों नहीं आ सकती, तुझे भी आना चाहिए, तुझे जाना चाहिए। एंड देन ऐसी चीज़ें स्टार्ट हुई और फिर मैं शिफ्ट हुई बॉम्बे और आगे की जर्नी। बहुत बड़ी बात है यार, मतलब सबसे पहला पार्ट रहता है मॉम ने कह दिया और काम खत्म, लाइफ सेट है फिर तो बस। सेम मेरे साथ भी हो चुका है एक्चुअली में, और मम्मी ने मुझे 10th क्लास में कहा था कि जब फोटोज वगैरह देख के कि यार तेरी फोटो अच्छी आती है तो ट्राई क्यों नहीं करता कुछ। तो वही सेम चीजें हैं। हाउ डू यू कीप योरसेल्फ मोटिवेटेड? मेरा काम, और जब आप एक्टर हो तो आई थिंक वही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, वही सबसे मतलब अगर आप एक्टर हो तो वही आपको मोटिवेट करता है। आपको फिट रहना है, आपको अच्छा दिखना है, आपको सुबह जिम जाना है, मतलब सारी चीज़ों के लिए आप अगर एक्टर हो ना वही चीज़ एक काफ़ी है आपको मोटिवेट रखने के लिए। मतलब आपके लिए सिर्फ लगता है कि एज एन एक्टर अगर मैं हूँ तो हर चीज़ वही करा देती है अपने आप। ऑफकोर्स। हाँ ये बात भी सही है ऐसे, क्योंकि मैंने कई बार देखा है खासकर फीमेल्स में ज़्यादा फोकस रहते हैं अपनी स्किन को लेकर, हेल्थ को लेकर, लेकिन वो कहीं ना कहीं मोटिवेट नहीं हो रहे होते, वो सिर्फ दिखावे के लिए होता है कभी कभी। नहीं नहीं, दिखावा तो मतलब कुछ लोग करते होंगे। हाँ। लेकिन आजकल फीमेल्स नहीं, मेल्स भी मोटिवेटेड होते हैं अपने स्किन को लेकर, अपने हेल्थ को लेकर। अभी तो स्पेशली अभी के जनरेशन में अगर कहूँ तो अपने स्किन को लेकर, अपनी हेल्थ और अपनी फिजिक सब चीज़ों को लेकर, ड्रेसिंग को लेकर इतना ज़्यादा मोटिवेटेड है, फीमेल्स को पीछे कर देते हैं भाई। और आजकल जो कुछ लोग वैसे भी आ गए हैं जो ना ही कुछ मेल्स हैं ना ही कुछ फीमेल्स हैं, हम उन पे ज़्यादा देख पाते कि यार उनको हमसे ज़्यादा क्रेज है इन चीज़ों में। आई थिंक उनको ज़्यादा अटेंशन चाहिए शायद, मेबी इसीलिए शायद अपने आप को ज़्यादा फिट रखने की कोशिश करते हैं, या होता है ना कि हम कुछ अलग दिखें तो लोगों का आकर्षण हम पे जाएगा या आकर्षित होंगे लोग, ये एक फैक्टर होगा। हम कब अच्छा दिखना चाहते हैं कि सामने वाला हमें नोटिस करे। तो मेल फीमेल अगर आप नॉर्मल हो, वो लोग भी नॉर्मल ही हैं ऑफ कोर्स, तो इंसान का ध्यान ऑटोमेटिकली जाता है। बट ऐसे लोगों पे कई बार तब ध्यान जाता है जब ये एक्स्ट्रा कुछ करे, यू नो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अगर कुछ करे, कुछ अलग कपड़े पहने या कुछ अलग चीज़ें। आप नॉर्मली जब कहीं आप जाते हो, कोई अतरंगी सा अगर कुछ देखते हैं ना तो ऑटोमेटिकली आपका ध्यान वहां जाता है। बिल्कुल जाएगा। तो मे बी शायद वो एक रीजन होगा। अच्छा, हमने उनको बताया नहीं अपनी ऑडियंस को कि आपने अभी तक क्या-क्या किया है। ओके। तो एक प्लीज आप शेयर कीजिए उनके साथ कि अभी आप क्या कर रहे हैं। अभी खैर वैसे ये लक्ष्मी मंगल लक्ष्मी में कर रहे हैं एज अ बुआ। ओके जी। तो आपने सबसे ज्यादा तो मुझे क्राइम पेट्रोल के एपिसोड्स में देखा होगा, और मैं अभी तक मैंने इतने सारे काम कर लिए भगवान की दया से, लेकिन मैं कहीं पे भी जाऊं लोग एक बार में सिर्फ क्राइम पेट्रोल का ही नाम लेते हैं, सावधान इंडिया या क्राइम पेट्रोल। क्राइम पेट्रोल इसलिए ज़्यादा बोलते हैं क्योंकि उसका रिपीट टेलीकास्ट आई थिंक बहुत ज़्यादा होता है। तो उसके अलावा डेली सोप्स भी बहुत किए हैं, नेटफ्लिक्स का जामतारा सीजन 2 किया है। बट अगर लोग किसी से पहचानते हैं तो वो है क्राइम पेट्रोल। मुझे एक एक्टर को होता है ना कि मैं जब बॉम्बे आई थी तो मुझे ऐसा था, मैं भगवान से भी प्रे करती थी कि मैं साईं बाबा को बहुत मानती हूँ, तो जब मैं शिरडी जाती थी मुझे ऐसा था कि बाबा जब भी मैं शिरडी आऊँ ना तो लोग मुझे पहचाने मेरे काम से। और वो हुआ, और वो हुआ क्राइम पेट्रोल के वजह से। इवन हम दोनों भी मिले हैं साउथ इंडिया पे। हाँ जी। दिल्ली में एक एपिसोड हमने साथ बहुत में किया, अमेजिंग एपिसोड किया था हम लोगों ने। आज तक वो टेलीकास्ट होता है, आज भी लोग देखते हैं और मुझे वो स्क्रीनशॉट्स आज भी भेजते हैं। मैंने अभी थोड़े दिनों पहले शायद आपने भेजा था। अच्छा, अगर आप एक्टर नहीं होते तो क्या होते? सिंगर। क्या बात है, कुछ हो जाए।
हिंदी कुछ गा देती हूँ, बिल्कुल है ना। ये नयन डरे डरे, ये जाम भरे भरे, मुझे जीने दो, कल की किसको खबर, एक रात हो के निडर, मुझे जीने दो, ये नयन डरे डरे। क्या थोड़ा नर्वस हो गई मैम, सॉरी। ये है हिडन टैलेंट एक्चुअली में। मीन्स मैं सच बताऊं, ये पॉडकास्ट कराने का तरीका सिर्फ यही है कि लोगों का ना निकाल पाता हूँ मैं कि क्या है क्या नहीं है। अब सिर्फ आपको क्राइम पेट्रोल सावधान से नहीं पहचानेंगे, नाउ ये जो हम रील वायरल करेंगे ना उसको, ये सिंगिंग वाली आपकी, उससे भी लोग पहचानेंगे पक्का, आपको टेंशन ना लो। थैंक यू। मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट आपका क्या रहा अभी तक? मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट, आई थिंक जो अभी मैं मंगल लक्ष्मी में कर रही हूँ वो मुझे अभी तक ज़्यादा चैलेंजिंग लगा, बिकॉज मे बी शायद जो हमारे डायरेक्टर हैं उनके साथ शायद कभी होता है ना कि डायरेक्टर को कुछ और चाहिए होता है और हम वो नहीं दे पाते हैं। तो आई थिंक अभी तक की जर्नी में वैसा कुछ नहीं हुआ है। मुझे काम तब डिफ़िकल्ट लगता है जब डायरेक्टर को कुछ और चाहिए और मैं वो नहीं दे पा रही हूँ। तो अभी जो मैं शो कर रही हूँ मंगल लक्ष्मी में, स्टार्टिंग में महीना डेढ़ महीना मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मुझे ऐसा लग रहा था कि जो मैं संजना का कैरेक्टर कर रही हूँ ये मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग है, मैं शायद नहीं उतना कर पा रही हूँ। बट नाउ सो क्या डिफ़िकल्टीज है, मतलब एक डेली सोप में और एपिसोडिक्स में डिफरेंस तो ऑफकोर्स होगा ही। डिफरेंस है, पैटर्न बहुत अलग है। हम जब एपिसोडिक करते हैं एक एक दिन में हम 20 22 25 सीन्स करते हैं, और डेली सोप्स में हम पूरा दिन में शायद एक या दो सीन्स करते हैं। तो डेली सोप में यू हैव लॉट ऑफ टाइम आपके पास, आपको मतलब प्रॉपर सब चीज़ें ऑर्गेनाइज होती हैं, आप जाते हो, आपको तैयार होने के लिए टाइम दिया जाता है एक सवा घंटा, और आप आराम से रिलैक्स हो जाओ, स्क्रिप्ट आ जाती है, आप पढ़ो और आराम से बोलो, पहले मास्टर लगाते हैं। लेकिन एपिसोडिक्स में आपके पास ज़रा समय नहीं होता, आपको करते बहुत करते क्विक मेकअप करने का। तो मैंने तो भाई एपिसोडिक में मेकअप किया ही नहीं, मैंने सावधान में थोड़ा बहुत किया है, बट क्राइम पेट्रोल में तो मैंने मेकअप नहीं किया। अगर आपने लिप बाम भी लगाया है तो डायरेक्टर्स वो टिश्यू से हटा देते हैं, नॉट अलाउड। तो आपके पास उतना समय नहीं होता है, बहुत क्विक होता है कि आपको पूरा दिन में 20-25 सीन्स करने हैं, और डेली सोप में आपके पास बहुत टाइम होता है, आराम से जमा के करते हैं, ये है डिफरेंस। ओके, जो लोग मुंबई आना चाहते हैं एज एन एक्टर, जो एक्टर बनना चाहते हैं, उनको आप क्या सजेशन देना चाहोगे अब तक जो आपने एक्सपीरियंस किया है? मैं तो सबसे पहले यही सजेशन देना चाहूँगी, अगर आप आना चाहते हो तो आप आओ, लेकिन आप जो चीज़ सोच के आ रहे हो यहाँ पे आके भूलो मत। नॉर्मली क्या होता है, जब हम यहाँ पे आते हैं तो हमें लगता है कि यार हमारा ये सपना है, हम कैसे भी सर्वाइव करेंगे, हम कोई भी काम करेंगे, एंड देन जब हम यहाँ शिफ्ट होते हैं तो हम बाकी लोगों से ना इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, ये छोटा कैरेक्टर है, ये वन डे नहीं करना है, ये कैरेक्टर मैं नहीं करूँगा, इस बजट पर मैं नहीं करूँगा। तो सी, आपको हमेशा अगर आप दिखोगे तो ही आप बिकोगे, तो आपको दिखना बहुत ज़रूरी है। दिखने के लिए आपको बिकने के लिए आई एम सॉरी, आप बिकोगे तब जब आप दिखोगे, तो आपको दिखना बहुत इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो ज़ीरो बजट में करो चाहे लो बजट में करो, कोई भी कैरेक्टर आपको मिले आप वो करो। मैं सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोल रही हूँ, ये मेरे एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ। जब मैं बॉम्बे शिफ्ट हुई तो मैंने वन डे टू डे बहुत किया है, रिसेप्शनिस्ट, नर्स, न्यूज़ एंकर, मतलब 2 साल तो मैंने वही किया है, क्योंकि आपको सर्वाइवल भी चाहिए और आपको टेक्निकली कुछ आता ही नहीं है। थिएटर किया है मैंने 2 साल, आपको टेक्निकली सीखने के लिए भी, टेक्निकलिटी सीखने के लिए भी तो आपको एक्सपीरियंस चाहिए, राइट? वो कहाँ से आएगा? बिल्कुल, वो आपको सेट पे जाकर ही आएगा, आपको वहाँ का सब मतलब बिहाइंड द कैमरा, मेकअप रूम्स के एटिकेट्स, सीनियर आर्टिस्ट कैसा काम कर रहे हैं, ये सब आपको कैसे पता चलेगा? आप काम करोगे तब आपको पता चलेगा, और ये जब आप प्रैक्टिकल करते हो ना तभी आपको पता चलता है। और जब आप टीवी इंडस्ट्री में काम करते हो तो इन एक्सपीरियंस के लिए आपको पे भी किया जाता है।
ऐसा नहीं कि आप फ्री में कर रहे हो, तो आपको उस चीज़ के लिए पेमेंट मिल रही है, आप पेमेंट भी लो और आप काम भी सीख रहे हो। जो मैंने 2 साल किया थिएटर किया एंड देन धीरे 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 ग्रेजुअली मैं आगे बढ़ी। मुझे एकदम से, एक तो पहली चीज़ है कि एकदम से आपको ऐसा नहीं है कि आप आए और एक छलांग में ऊपर चढ़ना है। मेरा एक्सपीरियंस है, आज 12 साल हो गए मुझे और अभी भी शायद मैं चाहती हूँ कि मैं और, मुझे और काम करना है और अच्छे अच्छे काम करना है, तो बेसिकली यही है। बहुत बहुत अच्छी बात है यार ये तो। एक्चुअली मैं, जब तक आप दिखोगे नहीं तब तक बिकोगे नहीं। अच्छा, कभी आपने कोई भूत प्रेत पे विश्वास या फिर एक्सपीरियंस किया है ऐसा? एक्सपीरियंस नहीं किया है बट मैं बहुत डरपोक हूँ। नेगेटिव एनर्जीज में थोड़ा मुझे वो होता है, या तो वो है नहीं, मेरे अंदर का डर है। मैं कहीं अगर आउटडोर शूट्स के लिए जाती हूँ तो मुझे सबसे ज़्यादा टेंशन होता है कि मैं रूम में अकेले कैसे सोऊंगी। तो मैं रिक्वेस्ट ये करती हूँ कि मेरे साथ किसी को प्लीज़ शेयरिंग में दे दो या हेयर ड्रेसर दे दो, कोई अवेलेबल नहीं है बिकॉज मैं इतनी डरपोक हूँ। एक्सपीरियंस कुछ हुआ नहीं है लेकिन मेरा शायद अंदर का एक डर है, कहीं कुछ एक नेगेटिव एनर्जी, और आई थिंक वो मेरा डर ही है। कहीं ना कहीं ये दिक्कत किया अभी तक सेट पे? सेट पे तो नहीं, बट हाँ जाम तारा के शूट के लिए मैं लखनऊ गई थी तो वहाँ पे होटल रेगनेंट में मैं रुकी हुई थी और मुझे रात में नींद नहीं आ रही थी। और एक बार 2:30 बजे लाइट चली गई, एक बार सुबह 5 बजे लाइट चली गई और मैं रात भर हनुमान चालीसा सुन रही थी, बट मुझे एक पता नहीं कुछ तो वहाँ पे हैवी फील हो रहा था। कुछ ऐसा देखा नहीं मैंने बट कुछ ऐसा हैवी फील हुआ था, शूट के दौरान नहीं, स्टे के दौरान। अच्छा, अभी तक आपने जितना भी काम किया है सबसे बेस्ट आपको अभी तक कौन सा लगता है कि मेरे हिसाब से यार मैंने ये काम अच्छा किया है? जामतारा हो गया, मंगल लक्ष्मी हो गया, एपिसोड्स हो गए, सबसे अच्छा क्या लगता है आपको? मैंने एक शो किया था कहाँ हम कहाँ तुम, स्टार प्लस पे। ओके, तो उसमें मैं कैरेक्टर तो हाउस हेल्प का कर रही थी। स्टार्टिंग में मैंने उस कैरेक्टर के लिए मना बोल दिया था क्योंकि वो हाउस हेल्प का कैरेक्टर था और पता है मैंने जैसे आपको स्टार्टिंग में ही बोला हम इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कभी कभी, बट थोड़े 5 मिनट के लिए मैंने सोचा कि नहीं, मेड का कैरेक्टर मुझे नहीं करना है। और फिर मैंने कास्टिंग वाले को मैंने मना बोल दिया कि मैं नहीं करना चाहती मेड का कैरेक्टर। फिर मुझे पता नहीं क्या क्यों ऐसा फील हुआ कि मैंने वापस उनको फ़ोन किया और मैंने उनको बोला मुझे ब्रीफ भेजिए। उन्होंने ब्रीफ भेजा और मुझे ब्रीफ बहुत अच्छा लगा क्रिएटिव का, और मैंने पता नहीं क्यों उस कैरेक्टर के लिए हाँ कहा। और यकीन मानिए मुझे आज तक लगता है कि वो मेरा बेस्ट डिसीजन था कि मैंने उस शो के लिए हाँ बोला। लोग बहुत अच्छे मिले, मेरे कैरेक्टर को प्यार, मतलब अथाह में प्यार मिला। एक सीन है जो डॉक्टर रोहित सिप्पी के साथ था, करण वी ग्रोवर के साथ, वो वायरल हुआ। अभी भी लोग उसका मुझे वो रील भेजते हैं, जब भी जितने लोग मिलते जाते हैं काम करते जाते हैं उनके पास जब वो रील जाती है वो मुझे फॉरवर्ड करते हैं, और वो अमेजिंग एक्सपीरियंस था लिटरली। मतलब मैंने खुद देखा है वो रील, वो वायरल इतना हो रखा है कि कई मिलियंस में उसके व्यूज रहते हैं हमेशा। कोई भी डाल दे आज भी उसको पोस्ट कर दोगे ना वो सेम उस लेवल पे पहुंच जाएगा वो। और कभी सेट पे कोई ऑकवर्ड मोमेंट्स या फिर फनी मोमेंट्स आपको लगे होंगे, कुछ मिले होंगे आपको? ऑकवर्ड मोमेंट्स तो होते हैं सेट पे और फनी मोमेंट्स भी होते हैं। ऑकवर्ड मोमेंट्स होते हैं कि आप कैरेक्टर कौन सा कर रहे हो, तो वहाँ पे कई बार आपके को आर्टिस्ट आपको थोड़ा ऑकवर्ड फील कराते हैं। तो जैसे मैं भी कहाँ हम कहाँ तुम की बात कर रही थी तो उसमें मेरे साथ थोड़े इंसिडेंट्स हुए हैं। वो आपको एक वाइब और बॉडी लैंग्वेज समझ में आ जाती है। जब आप बहुत अच्छा कैरेक्टर कर रहे हो ना तो आपको सेट पे बहुत अटेंशन मिलती है। जब आप ऐसा कोई कैरेक्टर कर रहे हो, अनवांटेड कैरेक्टर कि हाउस हेल्प, मतलब ऐसा लगता है कि ये सच में सर्वेंट है, ये सच में नौकर है घर की, तो भाई मैं हूँ एक्टर, मैं कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ, राइट? बिल्कुल। वो एक ऑकवर्ड जो वाइब हम एक्सचेंज करते हैं ना एक्टर्स के साथ, आर्टिस्ट के साथ, कि भाई आपको कैमरा नहीं लेने देंगे या आपको नहीं प्रॉपरली ट्रीट करेंगे सेट पे, एज इफ कि हम सच में सर्वेंट हो, ये एक ऑकवर्ड मोमेंट मैंने दो तीन शोज मैंने किए हैं। जैसे मैंने हाउस हेल्प का कैरेक्टर किया बिकॉज मैं, जैसे कि मैंने बताया कि आप दिखोगे नहीं तो आप बिकोगे नहीं, मुझे डेली सोप में बेसिकली घुसना था, और तब जैसे जैसे मेरे पास कैरेक्टर्स आते गए मैं करती गई, बट जो मैंने कैरेक्टर्स किए हैं वो मैंने शिद्दत से निभाए, ये चीज़ है। और फनी मोमेंट तो बहुत कुछ होते हैं, मतलब ऐसे अभी मुझे फ़िलहाल याद नहीं आ रहा है,
रील्स बनाते वक्त काफ़ी सारे फनी मोमेंट्स होते हैं और हम लोग प्रैंक करते हैं। अभी जैसे मैं शो कर रही हूँ उसमें कार्तिक है, मैं कि उसको पता चल गया कि मैं बहुत डरती हूँ, कार्तिक जो जिसका रियल नेम शुभम है, तो मैं ऐसी अपने फ़ोन में लगी रहूँगी और वो पीछे से आके ना एकदम से डरा देता है और मैं मतलब ज़ोर से चिल्लाती हूँ आ करके, तो फिर सब हंसने लगते हैं। ये सब है फनी मोमेंट्स का, बहुत रहता है। हाँ जी, फनी मोमेंट्स तो रोज होते होंगे। हाँ जी हाँ जी, तभी तो आप जीत, मतलब फनी मोमेंट्स नहीं होंगे तो आप कैसे सेट पे, अदरवाइज टाइम पास होना मुश्किल है भाई। अच्छा, आप टी पर्सन हो या फिर कॉफी पर्सन? टी पर्सन। तो ये फिर एक छोटा सा गिफ्ट हमारी साइड से आपके लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे। अगर आप कोई, मेरे हिसाब से कोई चाइनीज स्नैक होते तो कौन सा स्नैक होते? चाइनीज स्नैक्स तो मुझे पता ही नहीं है। मंचूरियन है। अच्छा, और ये सब हाँ, अपना okay. चाउमीन है। चाउमीन, आई लव चाउमीन। आई लव चाउमीन। यस। चाय के साथ चाउमीन चर्चा चलेगा? नहीं, चाउमीन के साथ एक्चुअली कोल्ड ड्रिंक चाहिए, बट ठीक है, आई विल मैनेज। चलो, अगली बार स्पॉन्सर हम कुछ पकड़ेंगे जो कोल्ड ड्रिंक वाला भी हो, तो अगले सीजन में आपको हम बुलाएंगे ताकि हम आपको वो भी दे सके। ओके। अच्छा, एक बात और पूछनी थी यार। जैसे कि हम एज एन एक्टर हम ज़्यादा फोकस करते हैं अपने लुक्स के ऊपर, फिजिक के ऊपर, रैदर देन दीज हमें अपने एक्टिंग स्किल्स पे काम करना चाहिए, क्या ये वैलिड है? ऑफकोर्स, आप इनफैक्ट जितने भी पुराने एनएसडीएंस को सुनोगे, मैंने रत्ना पाठक जी का एक इंटरव्यू देखा था, रील देखा था, तो वो वही बोल रही थी कि आजकल जो एक्टर्स आते हैं उनको घड़ी घड़ी मिरर चाहिए, घड़ी घड़ी टचअप चाहिए। मैं भी घड़ी घड़ी टचअप नहीं करती हूँ ऑनेस्टली स्पीकिंग, क्योंकि स्कूलिंग क्राइम पेट्रोल से हुई है तो पता है, तो उतना घड़ी घड़ी हाँ आपका एकदम क्लोज लगा हुआ है, और अगर आप डेली सोप कर रहे हो तो इतना मेकअप होता है आपको टचअप करना पड़ता है, अदरवाइज वो कैमरे पर ख़राब लगता है, क्रैक्स दिखते हैं। अगर रिक्वायर्ड नहीं है, जहाँ हमें पता है मास्टर लग रहा है या वाइड लग रहा है, जहाँ रिक्वायर्ड नहीं है वहाँ पे भी घड़ी घड़ी आप मिरर एक्टिंग पे ध्यान नहीं दे रहे हो, लाइंस पे ध्यान नहीं दे रहे हो, अपने क्यूज़ पे ध्यान नहीं दे रहे हो, आप उस चीज़ में रीटेक्स ले रहे हो, या इमोशंस में आपका कोई, आपने अपने क्राफ्ट पे ही काम नहीं किया, आपको जब मेकअप रूम्स में स्क्रिप्ट दिया गया उस पे काम करने के बजाय आप अपने लुक्स पे, अपने मेकअप, अपने बाल, इन सब में लगे रहते हो, तो वो आई थिंक वो काम पे काफ़ी हार्म होता है। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम यहाँ पे एक्टिंग करने आए हैं, बाकी लुक्स के लिए है वहाँ पे लोग, मेकअप दादा है, हेयर ड्रेसेस है, डायरेक्टर है, जो देखते हैं, जो बताते हैं कहीं पे कुछ ख़राब लग रहा है। अगर हम अपने एक्टिंग पे, अपने एक्टिंग स्किल्स पे, अपने क्राफ्ट पे अगर काम करेंगे तो आई थिंक वो ज़्यादा ज़्यादा खिल के आएगा, ज़्यादा निकल के आएगा, रादर कि आप अपने लुक्स पे काम करें। आजकल मैंने नोट किया है ये चीज़ों को, लोग पहले लुक्स देखते हैं, मीन्स पहले वो देखेंगे कि ये दिखता कैसा, सुंदर दिखता है, ठीक है एक्टिंग करवा लेंगे, ऐसा क्यों? लेकिन हम जैसे सोचते हैं कि नहीं यार, हम मतलब किसी को बताते भी है तो ही बताते हैं कि यार इस पे काम करो, ठीक है। लेकिन अभी मैं जब घुसते हैं मार्केट में, चलते हैं, हम कभी देखते हैं कि यार वो सिर्फ पहला पॉइंट उनका रहता है कि दिखता कैसा है, लुक अगर मैच कर गया ठीक है एक्टिंग करवा लेंगे, लेके आ जाओ। हाँ, ये इस चीज़ में मैं डिनाई नहीं करूँगी, ये तो है एक फैक्टर और ये बहुत बड़ा फैक्टर है, बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप, मेरे ऐसे भी दोस्त हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं जो एवरेज दिखते हैं, तो ये भी कहीं, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर अपने क्राफ्ट में आप परफेक्ट हो ना तो लुक्स कहीं ना कहीं वो आप ओवरपावर करोगे अपने काम से। लेकिन दोनों में से एक चीज तो प्लस करनी पड़ेगी। एग्जैक्टली, अगर आप दिखते अच्छे नहीं हो तो अपने, और दिखते अच्छे नहीं हो तो आपको ये पता होगी चीज़ कि आप एवरेज दिखते हो, आप बहुत गुड लुकिंग हो, आप बिलो एवरेज हो, तो अगर ऐसा है और फिर भी अगर आपको एक्टर बनना है तो अपने क्राफ्ट पे इतना अच्छा काम करो। मैं अभी आपके सामने बहुत सारे नाम ले सकती हूँ, जो मैं लूँगी नहीं, जो शायद हमें भी पता है कि बहुत अच्छे नहीं दिखते थे, बट उन्होंने अपने क्राफ्ट में इतना काम किया कि वो आज सिर्फ बॉलीवुड में ही नहीं, दे आर स्टार्स, दे आर सुपर स्टार्स। चलो, इनके साथ बातें करके मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत कुछ सीखता रहता हूँ मैं इन एक्टर्स से, क्योंकि यार मेरे लिए भी ये इंस्पिरेशन ही रहते हैं सारे, खासकर जब मैं सेट पे था इनसे मैं बहुत कुछ सीखा था। मुझे आज तक याद है कि वो मैं बहुत फंबल मारा था उस टाइम एक एपिसोड में, जब हम किसी सोसाइटी में शूट कर रहे थे हम, तो वो जस्ट एक निकलने के बाद ना वो मेरा इतना फंबल मारा था, आपने मुझे बुलाया कि लवलेश
कहाँ दिक्कत हो रही है, क्यों भाग रहा है, कहाँ जाना है, यहीं पर है, 3 दिन शूट करना है हमने अभी आराम से। तो वो ऑटो से निकलते ही जब आपने मुझे बताया कि नहीं इसको बहुत कामली इसको निकालो, क्योंकि उसके बाद पूरा सीन रूम का था, हमें करना था वो जो डांस वाला ये हो, वो फिर बहुत अच्छा, बहुत मतलब क्रिएटिव वाला निकल गया था एक्चुअली में। तो वही बात है, मैं इन सब से बहुत कुछ सीखता हूँ, और मैं ये इसलिए शो, मैंने भी स्पेशली ये पॉडकास्ट शुरू किया कि यार अभी कुछ नहीं कर रहा तो एटलीस्ट लर्निंग पावर बढ़ाते रहो अपनी। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन अ शो एक चाय हमारे साथ, जिसका स्पॉन्सर है हमारा उत्तम चाय। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच लवलीश, थैंक यू।